हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद MCQs का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मिल्क के, ठीक है, मिल्क के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो मिल्क के भौतिक गुणों को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दरअसल जो मिल्क है, यानी जो आपका जो दुग्ध होता है, ठीक है, और मेनली डेयरी साइंस में हम काउ और बफेलो मिल्क का ही स्टडी करते हैं, और इसके बाद गोट भी है, लेकिन मेजरली हम इन्हीं दो को स्टडी करते हैं। तो हम काउ और बफेलो जब मिल्क की बात करते हैं तो उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, यानी भौतिक गुण उसका ये इस प्रकार से होता है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स होता है उसका कलर कैसे होता है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, अपेक्षित घनत्व क्या है, उसकी एसिडिटी कितनी है, ठीक है, इसको जानते हैं, उसका pH क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपकी आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए मिल्क की, तो मिल्क के जो मेजर जो कंपोनेंट हैं मिल्क में, जो मेजरली जो पाया जाता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है लैक्टोज के रूप में होता है, ठीक है, और हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में आपका केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन होती है, और फैट जो है, ठीक है, फैटी एसिड्स के रूप में, ठीक है, बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इन रूपों में जो है आपका मिल्क के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक स्थिति की बात करें, ठीक है, फिजिकल कंडीशन की बात करें, तो ये जो मेजर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, मीन्स आपका लैक्टोज, प्रोटीन और फैट, ये भिन्न भिन्न कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो मेजरली जो है मिल्क में तीन प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती हैं फिजिकल कंडीशन। एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, यानी आपका कह सकते हैं कि इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक घोल या वास्तविक विलयन बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के रूप में होता है हमारा लैक्टोज, ठीक है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है किस रूप में पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है ट्रू सॉल्यूशन के रूप में। सेकंड जो हमारा जो आपका जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन मीन्स आपका केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है, ये पाई जाती हैं कोलाइडल फेज में। ये किस रूप में होती हैं, ये होती हैं कोलाइडल फेज में, तो मिल्क में ये कोलाइडल फेज में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे हम फैट की बात करें, तो फैट जो होता है हमारा ये होता है इमल्शन के रूप में, ठीक है, ये होता है किसमें, इमल्शन के रूप में। तो ट्रू सॉल्यूशन के रूप में क्या होता है, लैक्टोज होता है, और कोलाइडल फेज में क्या होता है, प्रोटीन होती है, और इमल्शन के रूप में क्या होता है, इमल्शन के रूप में फैट होता है, ठीक है। तो ये तीन फिजिकल स्टेट होती हैं जो मिल्क में पाई जाती हैं, और उनमें हमारे लैक्टोज, प्रोटीन और आपका फैट इन फिजिकल स्टेट्स में, इन भौतिक स्थितियों में या फिजिकल कंडीशंस में पाई जाती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आई वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, बेहद ही इसको जो है सावधानी से कह सकते हैं कि बेहद अच्छी तरीके से इसको कवर करिए, आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ बफेलो मिल्क, यानी जो भैंस का जो मिल्क होता है उसका कलर किस रूप में होता है, ठीक है, उसका क्या कलर है, वो येलो कलर का होता है, ब्लू कलर में होता है, या वाइट कलर होता है उसका, या रेड कलर होता है। फ्रेंड्स, तो जो बफेलो का जो मिल्क होता है उसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली मिल्क की बात करें तो मिल्क या तो येलो कलर में होगा या फिर वाइट कलर में होगा, और ब्लू या रेड इन सब का कलर बहुत कम ही देखने मिलता है, नहीं मिलता है लगभग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उसमें, वाइट कलर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हुज मिल्क डज नॉट कंटेन कैरोटीन, इनमें से कौन सा मिल्क है जिसमें कैरोटीन नहीं होता, किसके मिल्क में, ठीक है। तो इसमें आपके जो है एनिमल्स को दिया गया है, जैसे काउ में नहीं पाया था कैरोटीन, कि बफेलो में नहीं होता, कि गोट में नहीं होता, कि शीप में नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, बफेलो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बफेलो जो होती है, यानी जो भैंसें होती हैं, भैंसों के जो मिल्क में जो है आपका कैरोटीन की मात्रा नहीं होती, और कैरोटीन जिसमें पाया जाएगा उसका कलर होगा आपका येलो कलर, ठीक है। वैसे कैरोटीन तो ऑरेंज कलर के लिए होता है, लेकिन ऑरेंज कलर ये जब मिल्क में जब पाए जाते हैं, ठीक है, तो मिल्क को जो है ऑरेंज ना करके ये फिर येलो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका जो बफेलो वाला है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन था, बी ही था ना, एक मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका बफेलो ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बफेलो का जो मिल्क होता है उसमें कैरोटीन की प्रेजेंस नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द कलर ऑफ काउज चीज़ वाटर अपीयर ब्लू, ठीक है। कह रहे हैं कि किस वजह से, यानी किस कारण से जो काऊ का, यानी जो गाय का जो पनीर का जो पानी होता है, चीज़ वाटर होता है, अपीयर्स ब्लू, ठीक है, ये किस कारण ब्लू कलर का दिखाई देता है।
पनीर का जो वाटर होता है, यानी पनीर वाटर, चीज़ वाटर जो होता है, यानी पनीर का जो पानी होता है, वो गाय के पनीर का पानी किस वजह से, किस कलर की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से जो आपका ब्लू कलर का दिखाई देता है, आपके ऑप्शन हैं। तो इसमें कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन आपका राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन आपका बायोटिन, या फोर्थ ऑप्शन आपका विटामिन सी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। राइबोफ्लेविन की वजह से जो गाय के पनीर का जो आपका पानी होता है, यानी चीज़ वाटर होता है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके नीले कलर का दिखने का जो काज है, कारण है, वो है आपका राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कैन बी रिकॉग्नाइज बाई द प्रेजेंस ऑफ काऊ एंड बफेलो मिल्क, यानी किसके द्वारा जो है बफेलो और काऊ के मिल्क को जो है रिकॉग्नाइज, यानी पहचाना जा सकता है। तो इनकी पहचान किसके आधार पर करते हैं, विटामिन्स के आधार पर, बी ऑप्शन आपका मिनरल के आधार पर, मिनरल के बेस पर, सी ऑप्शन आपका लैक्टोज, या डी ऑप्शन आपका कैरोटीन। तो आपका डी ऑप्शन कैरोटीन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कैरोटीन की मात्रा जो है आपका काऊ मिल्क में देखने को मिलती है, जिसके कारण इनका कलर जो हो जाता है, यानी इनका रंग जो हो जाता है काऊ मिल्क का, वो येलो कलर का हो जाता है। और इसकी प्रेजेंस जो है आपका बफेलो मिल्क में नहीं होती, इसलिए वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन कैरोटीन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ़ ग्रीन फॉडर इज़ मोर इन द एनिमल्स राशन, हुज क्वांटिटी विल बी मोर, ठीक है। कह रहे हैं कि यानी एनिमल का जो राशन है, ठीक है, जो उसका चारा है, अगर उसमें जो है आपका हरे चारे को अगर बढ़ा दिया जाता है, उसकी मात्रा को बढ़ा दी जाती है, तो इसमें किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन आपका कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन आपका प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन आपका मिनरल की मात्रा बढ़ जाएगी, या डी ऑप्शन आपका फैट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, कैरोटीन, कैरोटीन की मात्रा जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अगर चारे में, यानी जो उसका राशन है, एनिमल का जो राशन है, यानी पशु का जो राशन है, उस राशन में अगर हरे चारे को बढ़ा दिया जाए तो कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द विच रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू, ठीक है। कह रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी जो अपेक्षित घनत्व होता है किसी भी वस्तु का, किस अनुपात में उसके घनत्व के होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व होता है, वो किस रेशियो में, किस अनुपात में उसके घनत्व के होता है। आपके ऑप्शन है सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, के अनुपात में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका लिक्विड एंड गैस के, सी ऑप्शन गैस एंड हीट के, और डी ऑप्शन आपका ऑब्जेक्ट एंड वाटर के। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। किसी भी वस्तु का जो है आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, वो जो है उस वस्तु और जो है वाटर यानी पानी के रेशियो में होता है, ठीक है। जैसे किसी भी हम मिल्क की बात करें, ठीक है, जैसे मिल्क की बात करें, दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व का जो फार्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज इक्वल, इसका फार्मूला होता है मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी का, आपका मिल्क का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी SG, ठीक है, इज इक्वल आपका डेंसिटी ऑफ मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क अपान जो है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या रेशियो है आपका, किसी भी वस्तु, ठीक है, वो वस्तु और वाटर का रेशियो होता है, ठीक है, वस्तु और वाटर का रेशियो होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व होता है, वो किस रेशियो में होता है, किसके रेशियो में होता है, ठीक है, किसके घनत्व के रेशियो में होता है। तो वो ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन सही है, आपका उस वस्तु, ठीक है, जिसका हम निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और प्लस आपका वाटर के का रेशियो पाया जाता है, ठीक है, समझ गए। मिल्क का स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, मिल्क का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल आपका डेंसिटी ऑफ मिल्क अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्पेसिफिक डेंसिटी या ग्रेविटी ऑफ प्योर मिल्क ऑफ बफेलो एट 60 डिग्री फॉरेनहाइट, हाउ मच इज इट। कह रहे हैं कि जो बफेलो का जो शुद्ध दूध होता है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी अपेक्षित घनत्व 60 डिग्री फॉरेनहाइट पर कितना होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं 1.028, बी ऑप्शन आपका 1.04, सी ऑप्शन आपका 1.032, और डी ऑप्शन आपका 1.08। आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बफेलो का 60 डिग्री फॉरेनहाइट पर जो आपका जो शुद्ध मिल्क की बात करें, प्योर मिल्क की बात करें, अपेक्षित घनत्व जो होगा आपका 1.032 होगा। और हम काऊ की बात करें तो बफेलो की है, काऊ की इसी 60 डिग्री फॉरेनहाइट पर की बात करें, ठीक है, तो काऊ की हो जाएगा जो आपका 32 है वहाँ पर हो जाएगा 1.030, ठीक है, थोड़ा सा जो है इसका कम हो जाएगा, ठीक है, इसका 032 है उसका हो जाएगा 1.030, ठीक है, तो वो हो जाएगा काऊ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपका 1.032, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ मिल्क इज केप्ट फॉर सम टाइम आफ्टर मिल्किंग देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज, कह रहे हैं कि यानी मिल्किंग के बाद, ठीक है, दूध लगाने के बाद यदि दूध को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसका जो आपेक्षिक घनत्व है दूध का वो क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन हैं रिमेन्स द सेम आर इक्वल, यानी समान या बराबर ही रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका डिक्रीजेज यानी कम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इंक्रीजेज यानी बढ़ जाएगा, और डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है आपका इंक्रीजेज यानी बढ़ जाएगा। दूध को लगाने के बाद अगर कुछ समय के लिए उसको रख दिया जाए, ठीक है, कुछ समय तक रख दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी यानी जो उसका जो आपेक्षिक घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, ठीक है, यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दूध की उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आपका थर्मामीटर से, बी ऑप्शन आपका लैक्टोमीटर से, सी ऑप्शन आपका रिफ्रैक्टोमीटर से, या डी ऑप्शन आपका बैरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को यानी आपेक्षिक घनत्व को हम निकालते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है, लैक्टोमीटर से इसकी रीडिंग की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक घनत्व को निकालने की यानी प्राप्त करने की कौन सी विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं। पहला है आपका ऑप्शन स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बोतल के द्वारा यानी बॉटल के द्वारा। दूसरा है आपका वेस्ट कॉल बैलेंस के द्वारा। सी ऑप्शन है आपका लैक्टोमीटर के द्वारा, या डी ऑप्शन है आपका ऑल दीज। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल ये भी मेथड होता है और वेस्ट कॉल बैलेंस भी होता है, लैक्टोमीटर से भी इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ वाटर इज़ एडेड टू मिल्क व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, कह रहे हैं कि इफ़ वाटर इज़ एडेड यानी यदि जल को मिला दिया जाता है कि इसमें मिल्क में तो क्या प्रभाव होगा उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसके आपेक्षिक घनत्व पर, ठीक है। ऑप्शन है आपके डिक्रीजेज यानी कम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इंक्रीजेज यानी बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन आपका रिमेंस द सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है, कोई असर नहीं होगा, या डी ऑप्शन ऑल दीज। तो पहला जो ऑप्शन है आपका डिक्रीजेज यानी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी को मिला दिया जाएगा दूध में, ठीक है, तो जो उसका आपेक्षिक घनत्व होगा यानी जो उसकी ग्रेविटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, इफ़ फैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्योर मिल्क, यानी कह रहे हैं कि जब शुद्ध दूध से जो है फैट को रिमूव कर दिया जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका इंक्रीजेज यानी बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन आपका रिमेंस द सेम वैसे ही रहेगी, या डी ऑप्शन आपका ऑल दीज, ठीक है। फैट को निकालेंगे तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा फैट को निकालेंगे तो बढ़ जाएगा। अगर पानी को मिला देंगे, ठीक है, पानी को मिलाएंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है, फैट को निकाल देंगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, 11th और 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अगर फैट को निकाल लिया जाएगा तो उसका जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बढ़ने वाली दो कंडीशन अभी हमने ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन जब अगर हम मिल्किंग के बाद कुछ समय तक दूध को रख देते हैं तब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा, अगर हम प्योर मिल्क से अगर फैट को रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं आपेक्षिक घनत्व तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ मिल्क इज केप्ट फॉर सम टाइम्स आफ्टर मिल्किंग देन इट्स इंक्रीजेज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि यदि दूध को लगाने के बाद, ठीक है, कह रहे हैं कि यदि दूध को लगाने के बाद कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बढ़ जाती है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखना थोड़ा सा भूल गए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रैक नेगल एक्शन कहते हैं, बी ऑप्शन आपका चर्निंग प्रोसेस कहा जाता है, या सी ऑप्शन आपका मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या डी ऑप्शन आपका इनहेरिटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, इसको कहते हैं रैक नेगल एक्शन, ठीक है, रैक नेगल एक्शन इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि मिल्क को लगाने के बाद कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बढ़ जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं रैक नेगल एक्शन। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मिल्क विल बी द लोएस्ट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है यानी दूध की का जो आपेक्षिक घनत्व है वो कम होगा, ठीक है, लोएस्ट यानी कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। किसकी वजह से कम हो जाएगा? लोएस्ट क्या, इसमें लोअर होना चाहिए था, ठीक है, लो लिखना चाहिए था, ठीक है।
यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी जो है आपकी दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कम हो जाएगी। किसकी वजह से कम हो जाएगी? वाटर की वजह से। यानी इसमें से कौन कौन फैक्टर्स इसके कम होने को इफेक्ट करेंगे, ये कहने का मतलब इसके क्वेश्चन का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वाटर की वजह से, बी ऑप्शन आपका फैट की वजह से, सी ऑप्शन प्रोटीन की वजह से, या डी ऑप्शन ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क की जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी को कम होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सभी जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो इसके आपेक्षिक घनत्व को प्रभावित करते हैं कम करने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। कह रहे हैं कि इनमें से कौन है जिसका सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यानी आपका कह सकते हैं वजन की बात की जा रही। ठीक है, मीन्स आपका वाटर की बात करें तो सबको पता है जो वाटर होता है इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका 1 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, मिल्क की बात करें तो मिल्क में काऊ और बफेलो दोनों का होता है 1.032, ये आपका जो है बफेलो का है, और काऊ की बात करें तो 1.030, ये आपका काऊ का है। ठीक है, मीन्स आपका 1 से ज़्यादा है, यानी पानी से ज़्यादा है इसका। ठीक है, सेपरेटा मिल्क का देखें तो सेपरेटा मिल्क का और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये 32 है, वो हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 1.036 हो जाएगा। ठीक है, और ऑयल का देखें तो ऑयल का 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। इसी वजह से जो ऑयल होते हैं वो जो है आपका पानी पर जो है फ्लोट करते हैं। ठीक है, जल पर तैरते रहते हैं। ठीक है, इसका कारण यही है कि चूंकि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वाटर से कम होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनमें से कौन ऐसा जो पदार्थ है जिसमें सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तेल जो होते हैं तेलों का जो है आपेक्षिक घनत्व सबसे कम होता है इन ऑप्शंस में स्पेशली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एसिडिटी इज फाउंड इन मिल्क इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग एंड विच इज इट। ठीक है, कह रहे हैं कि एसिडिटी अगर मिल्किंग के तुरंत बाद अगर एसिडिटी पाई जाती है तो ये किस प्रकार की एसिडिटी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रियल यानी वास्तविक अम्लता है, बी ऑप्शन आपका नेचुरल यानी प्राकृतिक अम्लता है, सी आपका टाइट्रेटेड, ठीक है, टाइट्रेटेड एसिडिटी है, या डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी प्रकार की। तो बी ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर मिल्किंग के तुरंत बाद अगर एसिडिटी जो होती है तो वो तो नेचुरल ही है। ठीक है, वो तो मिल्क में पाई ही जाती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसको रखने के बाद कुछ समय रखने के बाद 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे रखने के बाद अगर एसिडिटी जो हो जाती है तो उसे हम कहते हैं फिर क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल कृत्रिम कहेंगे। ठीक है, वो कहलाएगा आपका कृत्रिम कहलाएगा, वो नेचुरल नहीं रह जाएगा। ठीक है, या उसे हम कह सकते हैं ये टाइट्रेटेड कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच एसिडिटी इज फाउंड इन फ्रेश मिल्क। ठीक है, जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी एसिडिटी कितनी होती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका 0.12, बी ऑप्शन आपका 0.18, सी ऑप्शन आपका 0.20, और डी ऑप्शन आपका 0.30। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, 0.12, कहीं कहीं पर इसको लिखा है 0.11 लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो 0.12 आपका फ्रेश मिल्क की एसिडिटी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टू फाइंड द एसिडिटी इन मिल्क इट इज टाइट्रेटेड विथ। ठीक है, कह रहे हैं कि मिल्क में जो एसिडिटी होती है उसको प्राप्त करने के लिए किसके साथ इसका टाइट्रेशन किया जाता है। फर्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टाइट्रेशन किया जाता है, बी ऑप्शन आपका कास्टिक पोटास के साथ टाइट्रेशन किया जाता है, सी ऑप्शन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या डी ऑप्शन आपका नाइट्रिक एसिड के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका टाइट्रेशन किया जाता है लेबोरेटरी में जब हम इसकी एसिडिटी को निकालते हैं मिल्क की। ठीक है, इसके साथ में एक इंडिकेटर मिलाया जाता है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। ठीक है, मिल्क में फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों को मिला करके इसकी हम एसिडिटी को टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं एक फार्मूले की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19, विच डिजीज़ अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ मिल्क। इनमें से कौन सी एक बीमारी है जो ऑप्शन में दी गई उसमें पूछ रहा है कि विच डिजीज़ अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ मिल्क, कौन सी बीमारी जो है जो मिल्क की एसिडिटी को प्रभावित करती है। फर्स्ट आपका मेट्राइटिस, ठीक है, बी ऑप्शन आपका मैस्टाइटिस, सी ऑप्शन आपका टीबी, या डी ऑप्शन आप फूड एंड माउथ डिजीज FMD। तो आपका जो बी ऑप्शन है मैस्टाइटिस, जो कि आपका इसके अडर से रिलेटेड है, इसके थनों से संबंधित है, ये जब डिजीज़ होती है तो ये इसकी एसिडिटी को प्रभावित करती है। ठीक है, मैस्टाइटिस बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की जो एसिडिटी होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान प्रभावित करता है इसे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर यानी इसको स्टोर किया गया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, ये प्रभावित करेगा। सी ऑप्शन आपका फॉडर, यानी इसके चारा, इसका जो चारा हो, उसको हम चारा जो खिलाते हैं पशु को, वो प्रभावित करता है उसकी एसिडिटी को, या डी ऑप्शन ऑल दीज, तो इसमें सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी इसको प्रभावित करेगा, और स्टोर करने पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो भी प्रभावित करेगा, और फॉडर भी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल दीज, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द पीएच ऑफ मिल्क इज द कंसंट्रेशन ऑफ हुज आयन इन मिल्क, कह रहे हैं कि जो पीएच होता है मिल्क का, जो पीएच होता है वो किसका आयन होता है, किसके कंसंट्रेशन का आयन होता है, तो सभी जानते हैं पीएच मीन्स आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आपका सी ऑप्शन दिया गया है, तो पीएच मीन्स आपका हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड मिल्क, जो शुद्ध दूध जो है निष्कर्षित शुद्ध दूध का पीएच क्या होता है, आपके ऑप्शन है 6.6, 6.7, 5 हो या 8, पहला ऑप्शन आपका सही है 6.6 जो है आपका फ्रेश मिल्क का जो है पीएच होता है 6.6, कोलेस्ट्रम का 6 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चाहें, क्वेश्चन नंबर 23। विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड, किस यंत्र की सहायता से फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिटरमाइंड किया जाता है, ठीक है। मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किस यंत्र की सहायता से डिटरमाइन किया जाता है, किस यंत्र की सहायता से निकाला जाता है उसको, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका ब्यूटारोमीटर से, बी ऑप्शन आपका गर्बर से, सी ऑप्शन आपका सेंट्रीफ्यूगल से, या डी ऑप्शन है आपका हार्ट वेट क्रायोस्कोप, तो ऑप्शन है आपके, फिर से एक बार देखिए ऑप्शन, ब्यूटारोमीटर, गर्बर, सेंट्रीफ्यूगल, या डी ऑप्शन आपका हार्ट वेट क्रायोस्कोप, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है हार्ट वेट क्रायोस्कोप, इसकी मदद से फ्रीजिंग पॉइंट निकाला जाता है मिल्क का, ठीक है, हार्ट वेट क्रायोस्कोप, ठीक है, याद रखिए हार्ट वेट क्रायोस्कोप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। द फैक्टर इफेक्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, द फैक्टर इफेक्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, मिल्क के जो है फ्रीजिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, टेम्परेचर प्रभावित करता है, ठीक है, एसिडिटी प्रभावित करती है, टोटल सॉलिड प्रभावित करते हैं, या ऑल दीज, तो ऑप्शन आपका ऑल दीज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर भी प्रभावित करेगा, एसिडिटी भी प्रभावित करेगा, टोटल सॉलिड भी प्रभावित करेंगे, ये सभी प्रभावित करेंगे, मीन्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बाई विच इंस्ट्रूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड, किस यंत्र की सहायता से जो अपवर्तनांक होता है दूध का वो निकाला जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका लैक्टोमीटर, बी ऑप्शन है आपका गर्बर, और सी ऑप्शन है आपका इमर्सन रिफ्रैक्टोमीटर, या डी ऑप्शन है आपका हार्ट वेट क्रायोस्कोप, तो आपका जो सी ऑप्शन है आपका इमर्सन रिफ्रैक्टोमीटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है आपका 25th क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दरेंगप्पा द फैक्टर इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क आर, दरेंगप्पा के अनुसार मिल्क के जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ऑप्शन है आपका फर्स्ट केसीन, बी ऑप्शन है आपका सीरम प्रोटीन, सी ऑप्शन आपका लैक्टोज, या डी ऑप्शन ऑल दीज, तो सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है, केसीन भी प्रभावित करती है, सीरम प्रोटीन भी, लैक्टोज भी, ये सभी के सभी प्रभावित करते हैं किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। विच टेक प्लेस इन ब्रेकिंग द सरफेस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, उसमें डॉट में क्या रहेगा, तो ये आपका सरफेस टेंशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स को फिलअप किया जाएगा, ठीक है, तो विच फोर्स, यानी वो बल टेक प्लेस इन ब्रेकिंग द सरफेस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, जो 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के सरफेस को तोड़ने में मददगार होता है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, वो गलत है, सरफेस टेंशन आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो बी वाला, यानी फोर्स आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। द यूनिट ऑफ प्लेन या सरफेस टेंशन इज, ठीक है, यूनिट ऑफ प्लेन या सरफेस टेंशन, यानी आपका सरफेस टेंशन या प्लेन टेंशन की यूनिट होती है इसमें, आपके फर्स्ट ऑप्शन आपका डाइन्स, बी ऑप्शन आपका जूल पर सेकंड, सी ऑप्शन आपका डाइन पर सेकंड, या नॉन ऑफ दीज, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है डाइन्स पर सेकंड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका डाइन्स पर सेकंड, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। द विस्कोसिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड,
विस्कोसिटी यानी सहनता यानी गाढ़ापन प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, यानी विस्कोसिटी क्या प्रोड्यूस करती है किसी भी अणु के, ठीक है, किसी भी अणु में क्या प्रोड्यूस करती है, आपके ऑप्शन है उसमें फ्लो प्रोड्यूस करती है, बी ऑप्शन आपका वेलोसिटी यानी उसमें वेग प्रभावित करती है या वेग जो है उसमें प्रोड्यूस करती है, सी ऑप्शन फ्रिक्शन या डी ऑप्शन फोर्स। तो आपका जो है किसी भी मॉलिक्यूल में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है क्या विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो होती है उसमें अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट आर बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दूध का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, दो बार हो गया इसको, एक बार लिखना चाहिए था, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, दूध का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन आपका 100 डिग्री फारेनहाइट, सी ऑप्शन आपका 71.7 डिग्री सेल्सियस या डी ऑप्शन आपका 100.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 100.15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट MCQs जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क इस टॉपिक से रिलेटेड थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन को कवर किया गया है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो लेक्चर को ये जो हमने ट्यूटोरियल जो अभी आपके बीच में जो ले आए हैं, ठीक है, इसको 2 से 3 बार आप देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए इसमें, ठीक है। तो एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।